दोस्तों स्वागत है दीदी की रेसिपी में। मैं पूनम, आज हम बनाने वाले बनाएंगे पनीर का पुलाव। तो चलो रेसिपी स्टार्ट कर ले। तो देखिए दोस्तों, पनीर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कटोरी बासमती राइस। आप नॉर्मल चावल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें बनाने से ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पानी से धो लिया इसे। अब इसे रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, चावल को मैंने सोक करके रख दिया है, इसे रख देते हैं साइड में। तो देखिए दोस्तों, पनीर को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। तो चलिए इसे फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो पनीर को फ्राई करने के लिए आप घी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, क्योंकि घी मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो पनीर को एक एक करके डाल दे रही हूँ कढ़ाई में। पनीर को डालते ही चलाए ना, नहीं तो पनीर टूटने लगता है। पलट लेना है। पनीर को मैं नाइफ की सहायता से पलटी कर ले रही हूँ। तो ये दोनों साइड से सिक गया है लगभग। तो पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, ये देखिए। तो तेल को मैं पनीर हमारा फ्राई हो गया। तो चलिए मसाला तैयार कर लिए पुलाव के लिए। दोस्तों ये वही कढ़ाई जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया था। तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तेज पत्ता, ये कर्णफूल, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, लवंग, दालचीनी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी दोस्तों क्रश की हुई अदरक। यहीं पे कुछ लहसुन की कलियां डाल लूंगी जिसे मैंने कूट लिया था। एक कटा हुआ बड़ा प्याज मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। प्याज को भून लेते हैं। प्याज मेरा हल्का सा सुनहरा हो गया है, तो मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ टमाटर। कटोरी से मैंने 1 कटोरी इसमें मटर डाला। तो देखिए दोस्तों कितना कलरफुल लग रहा है ये सब्जियां। तो ठंडी में मटर तो भर भर के आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ताजे मटर डाले हैं। अगर आपको ताजे मटर नहीं मिलते तो आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा मटर पुलाव, पनीर पुलाव कितना मस्त बनने वाला है, एकदम जायकेदार। इसी स्टेज पे मैं इसमें 1 चम्मच डाल दूंगी हल्दी और 2 बड़े चम्मच में गरम मसाला डालूंगी। ये राजेश मसाला है, आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे भी भून लेना है। तो देखिए दोस्तों, तेल कैसे छोड़ रहे मसाले, अच्छे से ये भून चुके हैं। तो ये बहुत ही जायकेदार बनता है। इसके आगे पनीर, तो ये बहुत ही झटपट तैयार होता है, इसमें कोई झंझट नहीं रहता है उतना। तो चावल को मैंने सोक करके रख लिया था 20 से 25 मिनट के लिए। अब इसमें डाल दे रही हूँ, इसी स्टेज पे डाल देना है चावल को। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, तो हमें चावल का दुगना पानी लेना इसके अंदर। तो ये 1 कटोरी, ये 2 कटोरी।
पानी की क्वांटिटी मैंने कितना डाला आप उसकी मेजरमेंट से करिए। अब इसे ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये उबलने लगा है इसका पानी भी कम हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा नींबू का रस डालूंगी, डरिए मत इससे खट्टापन नहीं आएगा। और इसमें डाल दूंगी मैं ये अपना धनिया पत्ता, और इसी स्टेज पे मैं पनीर डाल दूंगी। तो पनीर से पूरा बिछा दे रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो हमारा पनीर पुलाव कुछ मिनटों में रेडी होने वाला है। चला ले रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, पुलाव हमारा रेडी है। तो पनीर पुलाव हम खाने जा रहे हैं, ये देखिए खिले। तो देखिए दोस्तों, प्लेट में मैं निकालने जा रही हूँ गर्मा गर्म बिरयानी। आपको मजा आ जाएगा, एक बार तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। जरूर 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 ट्राई करिए पनीर पुलाव।